जै हिंद इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट जो आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है सो so, इस वीडियो का पूरा देखिए ताकि आपको एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए ठीक है ना और आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा प्रॉब्लम होगा तो भी आप कॉमेंट कर सकते हैं कि हाँ हमें इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आइए विदाउट वेस्टिंग मोस्ट टाइम हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन से क्वेश्चन नंबर वन आप देख सकते हैं ही ब्लैंक नॉट हैव स्पोकन द ट्रूथ इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा होगा मे डी ओके मे होना चाहिए he may not have spoken the truth. May ही मे नॉट हैव स्पोकन द ट्रूथ मे ही क्यों होगा विल और सेल क्यों नहीं होगा थोड़ा सा समझिएगा क्योंकि मे का यूज़ किया जाता है ठीक है जहाँ फिफ्टी फिफ्टी परसेंट का चांस रहता है मतलब कह रहा है ही मे नॉट हैव स्पोकन द ट्रूथ उसने सच नहीं बोला है ठीक है ना यानी मे का यूज़ हम लोग करेंगे सेकेंड क्वेश्चन है द बोट ब्लैंक बोट मीन्स ना होता है तो ये तो बहुत ही है सैंक हो जाएगा सिंक का वर्ब टू मतलब बोट क्या हुआ डूब गया इसलिए हमारा होना चाहिए क्या सैंक थर्ड क्वेश्चन है ह्यूमन बींग्स ब्लैंक मेक अ प्रेटी गुड क्लेम टू बी द मास्टर्स मास्टर्स ऑफ द प्लानिटर तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा ह्यूमन बींग्स इसमें हमारा हो जाएगा डी यानी कैन कैन इसलिए होगा क्योंकि ह्यूमन बींग्स कैन मेक अ प्रीटी गुड क्लेम्स टू बी मास्टर ऑफ द प्लानट अर्थ ठीक है ना तो यहाँ समझना है कि चूंकि ये क्या बता रहा है एबिलिटी बता रहा है मानव का ह्यूमन बींग्स का और हम जानते हैं कि एबिलिटी के लिए कैन का यूज कर सकते हैं सो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ओके क्वेश्चन नंबर फाइव फोर एंड फाइव इसी क्वेश्चन में हम लोग करेंगे यहाँ दिया हुआ है आपका वी ब्लैंक वी कॉमा एज फॉरेन ठीक है लर्नर्स ऑफ इंग्लिश ब्लैंक हैव टू फाइंड आउट द वेज टू ब्लैंक द वीकनेस एंड ड्रॉबैक ऑफ द पुअर स्पेलिंग्स देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए फोर एंड फाइव में फोर में जो हमारा होना चाहिए वो विल होगा वी एज फॉरन लर्नर ऑफ इंग्लिश विल हैव टू फाइंड ठीक है विल हैव टू होता है सेल हैव टू होता है तो विल हैव टू फाइंड ठीक है आउट द वेज टू ओवरकम ठीक है क्या पाने के लिए ओवरकम करने के लिए ओवरकम मतलब क्या होता है काबू करना काबू पाना द वीकनेस एंड ड्रॉबैक ऑफ द पुअर स्पेलिंग किस पर वीकनेस पर और ड्रॉबैक ऑफ पुअर स्पेलिंग्स पर ओवरकम उब, करने के लिए काबू पाने के लिए यानी हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा ठीक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारा क्या है नो सुनर डिड ही सैट फॉर डिनर ठीक है देन द डोर बेल रैंग ठीक है सिक्स में जो यहाँ डीड के बाद हमारा आना चाहिए वो भर्व वन आना चाहिए सैट नहीं सीट होना चाहिए क्योंकि हम जानते हैं कि डीड के बाद वर्ब वन का यूज किया जाता है एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि नो सूनर के साथ हमेशा दैन का यूज किया जाता है जो यहाँ सही है कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है तो दैन हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर है यहाँ बट डीड के बाद जो सैट यूज किया हुआ है ही सैट इसके जगह पर सीट का यूज़ करेंगे सेवन क्वेश्चन एज वोमेन कंस्टिट्यूट कंस्टीट्यूट हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इट इज हाई टाइम वी गिव टॉप प्रायोरिटी टू फीमेल चाइल्ड एजुकेशन ओके एज ओमेन कंस्टीट्यूट हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ठीक है मतलब ओमेन के बारे में बता रहे कंस्टीट्यूट हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन मतलब पूरे पॉपुलेशन का हाफ इट इज़ हाई टाइम इट इज़ टाइम के बाद यदि सब्जेक्ट है तो हम लोग किसका यूज है करते हैं वर्ब टू का यानी गिव के जगह पर क्या हो जाएगा गेब हो जाएगा ठीक है ना गिव के जगह पर गेब हो जाएगा सो so, गेब विल बी द राइट आंसर बिकॉज इट इज टाइम इट इज हाई टाइम इट इज अबाउट टाइम के बाद वर्ब टू का डायरेक्ट यूज करते हैं एट क्वेश्चन इफ आई वॉज ही आई वुड नॉट एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट ठीक है ना यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस और कंडीशनल सेंटेंस में हम लोग कोई भी सब्जेक्ट हो सभी के साथ हम लोग वर का यूज करते हैं इसलिए इफ़ आई वर ही अगर वह मैं होता आई वुड नॉट एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करता कंडीशनल है और इस इस कंडीशनल इस टाइप के सेंटेंस में हम लोग सभी सब्जेक्ट के साथ वर का यूज़ करते हैं द न्यू डिश दैट आई ऑर्डर इज टेस्टिंग गुड सबसे पहला टेस्ट ऐसा भर है जिसका कंटिन्यूस में यूज़ नहीं करते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि आई ऑर्डर्ड है यानी पास्ट है और पास्ट के लिए हम किसका यूज करते हैं पास्ट के लिए टेस्टेड का यूज करते हैं टेस्टेड ठीक है ना टेस्टेड का यूज़ करेंगे ओके टेस्टेड का यूज करेंगे बिल्कुल क्योंकि पास्ट है और पास्ट में कंटिन्यूस का यूज बिल्कुल भी नहीं होगा क्वेश्चन नंबर टेन आई विश आई वर होना चाहिए ऐसे सेंटेंस तो आप बहुत बना चुके होंगे आई विश आई वर अ पेन काश मैं एक पेन होता इस टाइप का जैसे आईवीस आई वर दी एम ऑफ इंडिया इस टाइप का सेंटेंस सभी में हम लोग यूज करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन है लुक आफ्टर योर हेल्थ रिपेन्ट लेटर ऑन देखिए ऑप्शन ऑप्शन दिया हुआ तो according to option, is absolutely right answer. क्योंकि should का यूज हुआ है हम जानते हैं कि लिस्ट के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं का का यूज़ करते हैं। के साथ समझिएगा लिस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो लुक आफ्टर योर हेल्थ अपने हेल्थ को देखो कहीं ऐसा ना हो कि यू शुड रिपेंट लेटर ऑन कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े तो लिस्ट दिया हुआ है इसलिए शुड का यूज़ करेंगे सो शुड विल बी द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ट्वेल्व क्वेश्चन क्या कह रहा है द क्रिमिनल वॉज ऑर्डर टू हैंग्ड देखिए ज़रा हैंग्ड होना चाहिए हैंग्ड इसलिए क्योंकि हैंग का मतलब होता है फांसी देना या लटकाना लेकिन जब फांसी देना होता है तो इसका वर्ब टू और वर्ब थ्री हैंग्ड होता है हंग नहीं होता है हंग का मतलब लटकाना होता है कोई फोटो वगैरह बट यहाँ क्रिमिनल का बात है और ऑर्डर का बात है इट मीन्स यहाँ फांसी देने का बात है आगे भी टिल डेथ है इट मीन्स हम लोग ऑप्शन सी करेंगे हैंग्ड करेंगे एक बार कॉमेंट करके जरूर आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा नेक्स्ट थर्टी नंबर क्वेश्चन वा कम वाट में ये तो एक फ्रेज ही है चाहे जो कुछ भी हो कम वाट में आई सेल एथियर टू माई प्रिंसिपल्स जो कुछ भी हो आई सेल एथियर टू मैं अपने प्रिंसिपल पर मैं अपने प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है यहाँ प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत होता है सिद्धांत को फॉलो करूँगा ठीक है ना एयर टू होता है कि बाइड बाई होता है ठीक है ध्यान रखिएगा ए बाइड बाई और ए कम्प्लाई विद, तीनों एक ही होता है मीनिंग एक ही होता है बट सभी के साथ हमारा फिक्स प्रीपोजिशन अलग अलग होता है ये भी हमारा क्या है एज यू सो सो सैल यू रिप ठीक है सो सेल यू रिप यानी बी हो जाएगा सैल का यूज करेंगे सेल का यूज इसलिए करेंगे ये फ्रेज है एज यू सो सो सेल यू रिप जैसा बोगे वैसा पाओगे फिफ्टीन आई विल गो आउट वेन यू विल कम देखिए कंडीशनल वेन लगा है ना तो ऐसे में तो हम विल का यूज नहीं कर सकते आप भी जानते होंगे ये बहुत बार हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन कि कंडीशनल में हम सिंपल फ्यूचर का यूज नहीं करते हैं सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं सिक्सटीन क्वेश्चन है द एनशियंट ओलंपिक गेम्स थोड़ा देखिएगा ध्यान से वाज ए सीरीज ऑफ एथलेटिक कॉम्पिटिशन्स एमोंग रिप्रजेंटेटिव ऑफ वेरियस सिटी स्टेट ऑफ एंशियंट ग्रीस द एनशियंट ओलंपिक गेम्स यहाँ वाज नहीं क्या होना चाहिए वर होना चाहिए क्या होना चाहिए वर होना चाहिए वर इसलिए क्योंकि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ द एनशियट ओलंपिक गेम्स हमारा प्लूरल है इसलिए भर भी क्या होना चाहिए प्लूरल होना चाहिए सेवेंटीन सेवेंटीन है द स्ट्रीट्स आर सो वेट मतलब जो स्ट्रीट है गली है वो काफ़ी भींगा हुआ है इट शुड हैव रेंड लास्ट नाइट मतलब मतलब क्या है कि जरूर मतलब वर्षा हुआ होगा पिछले रात तो सूड की जगह हम लोग मस्ट का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर आपका ज़्यादा प्रायोरिटी है मतलब ज़्यादा वर्षा होने का आप बोल रहे हैं न कि ये भीगा हुआ है अवश्य ही वर्षा होगा तो सूड का तो यूज़ करते हैं कब चाहिए के अर्थ में या जहाँ पॉसिबिलिटी का बात नहीं हो यहाँ संभावना बहुत ज़्यादा है कि हुआ होगा तब तो भीगा हुआ है इसलिए मस्ट का यूज़ करेंगे एटीन द ट्रेन विल नॉट स्टार्ट Until द गार्ड will ब्लो द whistle, मतलब तो ट्रेन तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक गार्ड विसल नहीं बजाएगा ब्लो नहीं करेगा तो until या अनलेस के साथ भी हम लोग व्हील सेल का यूज़ नहीं करते हैं ठीक है यहाँ ब्लोज भी होना चाहिए ठीक है अनटिल द गार्ड्स ब्लोज द whistles, ठीक है अनटिल और अनलेस के साथ नॉट का भी यूज नहीं करते हैं और सिंपल फ्यूचर का भी यूज नहीं करते हैं ध्यान रखिएगा नाइनटीन नाइनटीन क्वेश्चन है ई फाइव ब्लैंक हर एड्रेस आई वुड हैव कॉल्ड ऑन हर तो क्या हो जाएगा हैड हो जाएगा क्योंकि हैड क्या है वर्ब टू है और जैसे हम वर् का यूज़ करते हैं इसमें वर तो है नहीं तो इफ़ आई हैड हर एड्रेस ठीक है आई वुड हैव कॉल्ड ऑन हर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखिए ट्वेंटी भी बहुत ईजी है मीजल्स मीजल्स एक हमारा रोग का नाम है और ये सिंगुलर होता है भले ही देखने में प्लूरल हो इसलिए किसका यूज करेंगे इज का यूज़ करेंगे द मीजल्स इज अ डिजीज दैट कॉज फीवर एंड रेड क्रैस रेड रैस आई होप की ये वीडियो हाँ तो यहाँ आर के प्लेस पर ईज होगा आई होप की ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ में भी आया होगा मिलते हैं कुछ ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट सेसन में थैंक यू